दादी माँ के घरेलू नुस्खे 22 बेस्ट किचन टिप्स समय निकाल कर जरूर सुने। एक, पैरों के तलवों में विक्स लगाने से सीने का कफ ठीक हो जाता है और सर्दी जुकाम भी नहीं होती है। दो, शहद को गले की खराश की समस्या को कम करने में प्रभावी माना गया है। इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इसकी गाढ़ापन और चिपचिपापन गले को आराम देने में मदद कर सकता है, इसलिए शहद का सेवन करें। नंबर 3, रोजाना रोटी नरम और फूली हुई खाने से कमर की चर्बी नहीं बढ़ती है। नंबर 4, अजवाइन को तवे पर धीमी धीमी आंच पर भून लें, फिर इसका रोजाना सेवन करने से कमर दर्द में बहुत आराम मिलेगा। नंबर 5, दिन में 5-5 मिनट करके उकड़ू जरूर बैठें, इससे नसों के ब्लॉकेज ठीक होते हैं और इससे कब्ज, माइग्रेन, एसिडिटी, पेट में गैस, सर दर्द, कमर दर्द, मोटापा दूर होता है। इसलिए दिन में 1 घंटे के लिए 5-5 मिनट करके उकड़ू जरूर बैठें। नंबर 6, तुलसी के पत्तों का रस हल्का गुनगुना करके दो दो बूंद कान में डालने से कान का बहरापन दूर होता है। नंबर 7, सोते समय लार टपकना आपको असहज महसूस कराता है, लेकिन ये इस बात का संकेत है कि आपने बहुत अच्छा आराम किया है। इसलिए आप जब गहरी नींद में होते हैं तो लार टपकती है। नंबर 8, काली मिर्च और नमक को पीसकर पानी के साथ लेने से गैस की समस्या दूर होती है। नंबर 9, अगर आप पानी में नींबू और शहद मिलाकर पी लेंगे तो 1 हफ्ते में इस सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। तो नींबू और शहद शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, आप पानी में मिलाकर इसको सेवन कर सकते हैं। इसको आप सबसे पहले गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर खाली पेट पी लें, ये पाचन को बेहतर बनाता है, स्किन पर ग्लो लाता है, बीमारियों को भी दूर रखता है। नंबर 10, सुबह समय से ना उठने पर दिमाग कमज़ोर होने लगता है। नंबर 11, करेले की सब्जी बुखार में बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, तो जब भी आपको बुखार आए तो करेले की सब्जी आप जरूर खाएं। 12, शरीर को हमेशा सीधा रखें, यानी बैठे तो तन कर, चले तो तन कर, खड़े रहे तो तन कर, इससे शरीर में जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता है। नंबर 13, भोजन से ही स्वास्थ्य बनाने का प्रयास करें, इसके लिए भोजन हमेशा खूब चबा चबा कर धीरे धीरे और आनंद पूर्वक करें, इससे पाचन क्रिया ठीक रहेगी और शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। नंबर 14, परवल की सब्जी खाने से आपको वजन कम करने में बहुत आसानी होगी, तो जिनको वजन कम करना है उनको परवल की सब्जी का सेवन करना चाहिए। 15, हरी मिर्च खाने से दिल से जुड़ी बीमारियां होने का कम खतरा रहता है, तो हरी मिर्च का सेवन करें तो आप हरी मिर्च के बीज निकाल कर खाएं। 16, मेथी दाना का 3 ग्राम चूर्ण दही में मिलाकर खाने से आंत की बीमारी में लाभ मिलता है। नंबर 17, अल्कोहल के साथ कभी भी काजू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर हो सकता है, इसलिए कभी भी काजू का सेवन अल्कोहल के साथ नहीं करना चाहिए। 18, सुबह उठ और सबसे पहले दलिया, अंडा, बादाम और पोहा खाना चाहिए। जब भी आप सुबह उठें तो ब्रेकफास्ट में दलिया, अंडा, बादाम, पोहा खाएं। 19, अनार के रस में मिश्री मिलाकर पिलाने से बेहोशी की समस्या दूर होती है। नंबर 20, मुंह से लहसुन और प्याज की बदबू दूर करने के लिए ग्रीन टी का सेवन करें। नंबर 21, जिनके पिंपल्स की समस्या है उनको नीम के पत्ते के पानी से मुंह धोना चाहिए, पिंपल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नंबर 22, रोज़ाना सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चुटकी भर हल्दी मिलाकर पीने से पेट साफ रहता है, गठिया, मधुमेह जैसी कई बीमारियां खत्म हो जाती है। हमारे
हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।